हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। एक व्लॉग मैंने ऐड कर दिया है और दूसरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। बस मैंने अपने लिए बनाई है चाय इंडक्शन में, जो मैंने नया इंडक्शन लिया था। इंडक्शन से रिलेटेड एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ, मैंने गलती करी क्यों मेरी इंडक्शन में कॉयल खराब हुए। जब हम ऑफ करते हैं इंडक्शन, कभी भी जो मेन स्विच है वो एकदम बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें फैन चलता है, वो उसकी कॉइल को कूलनेस देता है। और मैं हमेशा क्या करती थी, यहाँ से बंद करने के बाद इसको मेन स्विच जो है इसको ऑफ कर देती थी, वो मैं बहुत गलत करती थी। इसकी वजह से ही मेरे इंडक्शन के कॉइल पूरी तरह जल गए, क्योंकि फैन थोड़ी देर चलता है, आवाज़ भी आती है, आप जिसके इंडक्शन है फील करते होंगे। तो ये गलती जो मैंने करी वो आप लोग मत कीजिएगा। हल्की सी खराश हो रही है, मौसम बदल रहा है और यहाँ गर्म, नैनीताल में ठंडा, फिर 3 दिन की छुट्टी, यहाँ गर्म। ऐसे तो बारिश की वजह से ठंडा मौसम भी हो जा रहा है, तो ऐसे ही चल रहा है। बच्चे फैन कभी ज़्यादा कर देते हैं, कभी हम कम करते हैं, बस यही होता रहता है। और गर्म ने कहा दलिया खाने का मन कर रहा है, तो बस दलिया चढ़ाया है, बस थोड़ा पका रही हूँ, दूध डाल दिया है। मैं दलिया सिंपल सा बनाती हूँ, मतलब पहले देसी घी में भून लिया, फिर थोड़ा सा पानी डाल करके उसमें 2-3 सीटी दे देती हूँ, उसके बाद दूध डाल के और चीनी डाल के मैं पकाती हूँ। और इच्छा होती है तो ड्राई फ्रूट भी डाल लेती हूँ, बच्चों पे डिपेंड करता है, अगर वो ड्राई फ्रूट लेना चाहते हैं तो डालती हूँ, वरना प्लेन दलिया उन लोगों को मीठा दलिया खिलाती हूँ। एक्चुअली उसने टीथ याला तोड़वाया है, तो डॉक्टर ने कहा है कि लिक्विड डाइट लेना, तो उसने कहा मुझे भूख लग रही है। सुबह वैसे वो पूरी खीर वगैरह खा गया था, लेकिन जैसे दांत टीथ तोड़वाया है उसने, तब से उसने कुछ नहीं खाया। तो मैंने कहा चलो दलिया ना देती, हिमाद्री पसंद करती, वैसे तो हिमाद्री ने मेरे साथ मखाने खा लिए थे, तो उसे तब भी, लेकिन ये कुछ ना कुछ बनता है ना, हिमाद्री का मन करता है कुछ ना कुछ मैं खाती रहूँ, तो वो कुछ ना कुछ खाती रहती है। तो बस अभी पार्लर गई थी, थोड़ा सा मैं थ्रेडिंग करा के आई हूँ, स्क्रबिंग पपाया से स्क्रबिंग कराई, आपको चेंजेस से लग रहे होंगे। और क्या कराया मैंने, और थोड़े फेशियल हेयर रिमूव कराए, तो ये 3 चीज़ें मैं करा के आई हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, जब छुट्टी होती है तो उसका यूज़ करती हूँ। कल मैंने मेहंदी लगाई वालों में, वीडियो नहीं बनाई मैंने, लेकिन अच्छी मेहंदी लगी है, देखिए काफ़ी अच्छा सा कलर आया है। और नेहा मेहंदी लगाई थी मैंने, तो मेहंदी भी लगा ली है, थोड़े वाइट हेयर तो हैं ही, सबको पता ही है, इसमें छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। वाइट हेयर मेरे बाई बर्थ थे, मैंने आपको बताया था, बचपन पैदाइशी वाइट हेयर था मेरा। तो बस थोड़ी सी इसमें, वैसे मैं अलग से 3 वीडियो शेयर करूँगी, थ्रेडिंग की अलग बनाऊँगी, और हाँ हिमाद्री की कटिंग भी कराई है, तो मेरी 4 पार्लर वीडियो बन जाएंगी। थोड़ी मेरी पहले की भी रखी हुई है नोस मसाज की, जो मैंने अभी पब्लिक नहीं करी है, अनलिस्टेड करके रखी है, अनलिस्टेड करके मैं रख लूँगी, और बीच में मैं पार्लर वीडियो भी डाल देती हूँ, और बीच में ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ तो वो भी डाल देती हूँ। तो बस बच्चों को दलिया देती हूँ, अभी मैं ऊपर जाके देखती हूँ, मुझे लग रहा पसंद थी शायद अभी तक नहीं हुई, अच्छा हो मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया, वरना बहुत लेट हो जाता, कम से कम खाली बर्तन है, तो फिर बर्तन मम्मी जी और मिलके मैं माँज लेंगी, अगर आ गई होगी तो ठीक है, अभी मैंने चेक नहीं करा है, बहुत देर हो गई, 2:30 बज चुके हैं अब तो, तक तो आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं पार्लर चली गई थी, मुझे पता ही नहीं वो आई या नहीं आई। मुझे ये सूट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ना फ्रॉक में ये प्रॉब्लम है, जो एक कपड़ा है बहुत सिल्क टाइप का है, गार्डन सिल्क टाइप का, इसमें जैसे ही पानी लगता है ना वो दाग अलग ही दिखाई देता है। वैसे ही मैंने सेकंड टाइम पहनी है ये ड्रेस, मिंत्रा से ही मंगाई थी मैंने, मुझे बड़ी अच्छी सी लगी थी, बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक है और फुल स्लीव का है, तो इस मौसम के हिसाब से बहुत सही है। तो चलिए फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। सोचा था बसंती आएगी और बसंती नहीं आई, मुझे लग रहा आई होगी, उसकी बेटी ने कहा होगा कि बच्चा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो वापस चले गई। फिर 3:30 बजे मम्मी जी और मैंने मिलके बर्तन मांजे, थैंक गॉड मैंने सुबह झाड़ू पोछा लगा लिया था। अब उसके बेटे से पूछा तो वगैरह परसों आएंगी, तो मैंने कहा नामकरण के बाद ही आराम से आना, क्योंकि कितना प्रॉब्लम सी होती है ना, मतलब कह दिया आएंगे फिर नहीं आए, उसकी भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन किसी की समझ में नहीं आती है, क्योंकि हर कोई चाहता है टाइम पे काम हो जाए, और बहुत देर हो जा रही है। तो फिर बस अब गर्व को मैंने साइंस का रिवीजन कंप्लीट करा है, वैसे कल कंप्यूटर है, और कल से स्टडी भी स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में मैडम का भी मैसेज आया है कि 1.5 घंटे का पेपर होगा और 30 मार्क्स का होगा, शुरू के पीरियड में टेस्ट होगा, लंच ब्रेक किया, फिर 4 पीरियड इनकी पढ़ाई चलेगी जैसे कि होती है। तो कल से पढ़ाई भी शुरू है, तो बैग पूरा ले जाना है। तो बस अभी साइंस कंप्लीट कराइए, मैं कहा थोड़ा रेस्ट करो, कपड़े इन्होंने उठा दिए थे, अभी मैं तय करती हूँ, अभी ऊपर से भी लाने हैं, तो अब मैं यथास्थान रखती हूँ, जो प्रेस करने हैं करती हूँ। वैसे मैंने 2 सूट प्रेस कर लिए थे अपने, जो इस हफ्ते तो कोई छुट्टी नहीं है, शायद मंडे की होगी तब देखते हैं। तो 2-3 सूट प्रेस कर लिए मैंने पहनने के लिए, और घर में तो मैं टी शर्ट फ्रॉक और जीन्स जो मन करता है वो पहनती हूँ, लेकिन स्कूल में तो सूट ही पहन के जाना होता है। और बच्चों के कपड़े प्रेस्ड हैं, और ये देखिए हिमादी बाल कटाने के बाद कैसी लग रही है, अब 1-2 दिन थोड़े छोटे छोटे लगेंगे, उसके बाद फिर सह लेंगे।
सब्जी वाला आ गया था तो मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दी थी क्योंकि उसकी इतनी तेज आवाज़ आ रही थी और हिमाद्री शायद खेलना चाह रही है, तो डॉल हाउस उसने निकलवाया है और कह रही है मैं खेलूंगी, साथ में ये कार भी निकाल दी है। सब लगभग लगभग ना ख़राब हो गए, खाली ऐसे सेल पड़े रह जाते हैं ना तो वो लीक कर जाता है तो वो चल नहीं पाते हैं फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ये टॉयज़ होते हैं। अब चाय का टाइम हो गया है, चाय बनाती हूँ, बीच में लाइट चली गई थी पता नहीं आई नहीं आई, और ये सामान हिमालय के सारे ये खिलौने इसने बाहर निकाल दिए, और तो हिमालय जब पोछ भी देना अपना डॉल हाउस कितना गंदा सा लग रहा है, डस्ट बहुत हो रही है। अभी मैंने 5-6 दिन पहले ही जाले निकाले थे, मुझे एक जाला दिख गया अभी मैंने निकाला, शाम के टाइम घुमा दूंगी वरना फिर तो कल से टाइम मिलेगा नहीं, स्कूल जाना है, आते आते 5 बज जाते हैं, थक जाती हूँ। ये घर भाई साहब आ रहे हैं, इसने तो भैया मेरा भरता बना रखा है, ये देखिए इसने ड्राइंग की किट मंगाई है 3,500 की, मेरे पीछे ही लगा रहता है, वरना 7,000 कुछ की थी डिस्काउंट में इतने, और भी स्मार्ट वॉच भी बनाई मंगाई है इसने 3,500 रुपये है, मतलब इस महीने इसने अच्छा खासा सामान मंगवा दिया, कपड़े वगैरह मैंने सब अलग मंगाए 3-4 हज़ार के, 15,000 की चपेट तो इन लोगों ने लगा दी इस बार। वाइट कलर इसमें नहीं है, अच्छा वाइट कलर होना तो चाहिए इसमें, वो वाइट कलर कोई शेड बनाना चाह रहा है जो कि वाइट कलर हमें नहीं मिल रहा है। तो चलिए मैं इसका काम कराती हूँ, तो फिर मैं चाय बनाने जाती हूँ और फिर चाय पीती हूँ। कितने सारे कलर्स हैं इसमें इस किट में, और ड्राइंग की नोटबुक भी मिली है, तो तीन है वो। अब मेरा ड्राइंग मास्टर बनने वाला है बेटा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।